हाँ जी सभी आत्माओं के लिए है ना, सभी आत्माओं के लिए है कि बाप से सर्व संबंध जोड़े। हाँ, तो भी मतलब बाप तो आशिक नहीं बनता है, हाँ जो भी मतलब भाई पुरुष स्थल में है, है? जो भी भाई लोग है ना भाई, हाँ तो उनके लिए बाप के साथ वो संबंध में रचना लेने का जो विधि, हाँ बोलो बोलो उसके विधि के बारे में पूछ रहे हैं। बाप के साथ जो जो शिव बाबा के साथ जो सारा संबंध का रचना होता है ना, हाँ उसको लेने की विधि के बारे में पूछ। हाँ क्या बात उनके कहने मतलब है कि बाप शिव बाबा के साथ जो सर्व संबंध का रस लेना चाहिए, हाँ तो वो उसकी विधि पूछ रहे हैं कैसे लेना चाहिए। दीदी विधि विधि तरीका तरीका कैसे लेना चाहिए, हाँ कैसे लेना चाहिए। माना जो बाप का लौकिक बाप का बच्चा न बना हो वो ये बात पूछे तो ठीक है, लौकिक अम्मा का बच्चा न बना हो वो ये बात पूछे तो भी ठीक है, जिसके लौकिक भाई बहन न हो वो ये बात पूछे तो भी ठीक है। तुम्हारा तो लौकिक भाई भी है, बाप भी है, माँ भी है, रसना क्या होती है ये पता ही नहीं चला। बाप बाप बन करके कैसे बच्चे को प्यार देता है, अंदरूनी प्यार होता है बाप का या बाहर का प्यार होता है? अंदरूनी प्यार होता है। और बाप के बच्चे कौन है? वेद के बाप के बेहद के बाप के कौन बच्चे हैं? आत्मिक स्थिति में रहने वाले कौन है? वो आत्मिक स्थिति में रहने वाले कोई हैं या नहीं है? अरे दुनिया में हैं या नापैद हैं? हैं कौन है? रुद्रमाला के आत्मा। रुद्रमाला के कितनी आत्मा है? 4.5 लाख। 4.5 लाख बाप प्रजा बनाने आए हैं। बाप क्या सिखाने आए हैं? राजयोग सिखाने आए हैं कि प्रजायोग सिखाने आए हैं? तो राजयोग सीखने वाले कितने हैं? 16108 हैं। 16108 उनमें कितने तो दास दासी बनते हैं? जो दास दासी बनने वाले हैं वो आत्मिक स्थिति में रह पाते हैं कि देवान में ज्यादा रहते हैं? फिर वो अनुभव कर सकेंगे कि बाप का प्यार क्या होता है? करेंगे? जो सतयुग के आदि से लेकर के त्रेता के अंत तक दास दासी बन के रहते हैं और आखिरी जन्म में को कोट पतलून मिल जाता है, मानी मोचरा मिल जाता है, वो अनुभव कर पाएंगे कि बाप का प्यार क्या है? करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। बाप के बच्चे हैं आत्मा और आत्मिक स्थिति में रहने वाले हैं सिर्फ 8।
यहाँ भी बाप के बच्चे बन करके अंदर अंदर गदगद होते रहते हैं और वहां भी 84 जन्म सुखी होते रहेंगे। बाप के सहयोगी बनेंगे, विरोधी संकल्प भी नहीं आवेंगे उनको। तो बाप का प्यार क्या होता है, बाप का संबंध क्या होता है, संबंध की रचना क्या होती है, अनुभव नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। ऐसे ही मां का प्यार क्या होता है, ऐसे ही भाई भाई का प्यार क्या होता है, सखा का प्यार क्या होता है, दोस्त का। खुदा दोस्त तो मुसलमानों में बहुत गाया हुआ है। और रुद्रमाला का हेड ने जगदम्बा को बताया है, रुद्रमाला के हेड जगदम्बा को बताया है, रुद्रमाला का हेड। फिर महारुद्र कौन है? है? अगर जगदम्बा रुद्रमाला का हेड है तो महारुद्र कौन है? है? और रुद्र का अर्थ क्या होता है? है? रौद्र रूप धारण करने वाला। तो रुद्रमाला के मण के नंबर वार हैं, एक जैसे हैं, नंबर वार हैं, तो रौद्र रूप धारण करने में भी नंबर वार हैं। तो जो महारुद्र है वो ही रुद्रमाला का हेड है। तो रुद्रमाला में सूर्यवंशी हैं या चंद्रवंशी हैं? जगदम्बा सूर्यवंशियों की हेड है, बीज है, या चंद्रवंशियों का बीज है? हैं? चंद्रवंशियों का बीज। तो रुद्रमाला का हेड कैसे हुआ? मुरली में ऐसा आया है। और बाबा जो ये मुरली का पॉइंट था वो विश्व में सभी तरफ पहुंचने के बाद ही जो अंतिम होगा बोलकर मुरली में लिखा गया है, मगर कई देश में तो इसका नाम कुछ प्रचार भी नहीं हो रहा है। किसका? ये जो राजयुग का प्रचार नहीं हो रहा है तो सभी तरफ हो रहा है तो हो जाएगा। पौधा पहले छोटा होता है तब ज्यादा पत्ते निकलते हैं कि जब पूरा बड़ा हो जाता है तब ज्यादा पत्ते निकलते हैं? पूरा बड़ा होता है। तो ये ब्राह्मणों का झाड़ अभी पूरा बड़ा हो गया है या छोटा झाड़ है? है? छोटा झाड़ है, इसलिए अभी सारे संसार में सभी आत्मा रूपी पत्तों को संदेश नहीं मिला है। मल्टीप्लाई होता जाता है। और दूसरी बात, कर्मेंद्रियों की भाग दौड़ से संसार में ज्यादा लोगों को संदेश मिलेगा या वाचा की भाषणबाजी से ज्यादा लोगों को संदेश मिलेगा या मन के संकल्पों में एकाग्रता आने से ज्यादा लोगों को संदेश मिलेगा? ज्यादा पावरफुल क्या है? मन के संकल्प ज्यादा पावरफुल। तो वो एकाग्र बना है अभी जो सारी दुनिया को संदेश ऑटोमेटिक मिल जाए,
मन के हारे हार, मन के जीते जीत। इतनी भागदौड़ हो गई 71 साल में, कितनी भाषणबाजी हो गई। दुनिया की अंश मात्र आत्माओं को संदेश मिला है, और संदेश मिलना है 500-700 करोड़ को। जब बच्चों में एकाग्रता आ जाएगी तो संदेश की लहर ऑटोमेटिक फैलेगी। हाँ, बोलो। जोर से बोलो। भट्टी नहीं करी करते। अच्छा, रामायण में राम रामायण राम ने जो मतलब जो स्वर्ण मिले के पीछे जो भागते हुए हैं दिखाया है ना, स्वर्ण मिले के पीछे राम को भागते हुए दिखाया है ना उसको पकड़ने के लिए बात, तो उसके बाद ये मतलब सीता का हरण हो गया, तो इसका यहाँ पर ज्ञान में उसका अर्थ क्या होगा? ब्याज में राशि क्या होगा? सोने का मृग होता है, सोने का मृग तो होता नहीं। मृग मारीची का जरूर कही जाती है, जो मृग है वो मरुस्थल में दौड़ता है और उसे दूर दूर पानी दिखाई पड़ता है, पानी तो होता ही नहीं, वो दौड़ता रहता है। तो ऐसे ही इस दुनिया में सुख प्राप्त करना मृग मारीची का है, और संकल्प किसका होता है? मृग को मार लाने का। राम का संकल्प होता है, लक्ष्मण का होता है, या सीता का होता है? सीता का संकल्प होता है। तुम सब सीताएं हो, नंबर वार। तो आत्माओं को ये भोग की लालसा रहती है, 63 जन्म से इंद्रियों का भोग करते आए हैं, वो लालसा निकलती ही नहीं है। मृग और मारीची का जैसी है, बाप तो जानते हैं कि ये मृग मारीची का है, ये सोने का मृग है, ये मायावी है, फिर भी बच्चों की संतुष्टि के लिए उपक्रम करते हैं। जानते तो हैं कि क्या होने वाला है, अब बाप समान सब तो बनने वाले हैं नहीं, कितने बनेंगे? आठ बनेंगे बाप समान हैं? अगर बाप समान आठ बन जाए तो आठ का नाम शिव के साथ जोड़ा जाएगा या एक का नाम जोड़ा जाएगा? लेकिन होता क्या है, आठ का नाम नहीं जोड़ा जाता, सिर्फ एक का नाम जोड़ा जाता है। वो एक ही है बाप मनुष्य सृष्टि का, जो मृग मारीचिका को पहचानता है। बाकी तो सब सीताएं हैं,
मृग मारीचिका के पीछे बुद्धि को दौड़ाने वाली। हर सबक को माया खाती है। बाबा गोसाई कुंडा को अर्थ किए गोसी कुंडा गोसाई कुंड गोसाई कुंड गोस्वामी का बिगड़ा हुआ अर्थ है गोसाई। गऊ कहते हैं कन्या माताओं को, गऊ है भारत की कन्या माताएं क्या है, गऊए हैं। जीवन में जिस खूंटे से उनको बांध दिया जाता है सारा जीवन उसी खूंटे पर बंद करके रहती है। उस खूंटे को तोड़ करके दूसरे दूसरे परिवारों में जाना आना नहीं करती है। विदेशी कन्याएं ढेर सारी शादियां कर लेती है, विदेशी माताएं ढेर सारी शादियां कर लेती है। तो ये हैं गऊए हैं भारत की, और उनका स्वामी कौन है, हैं? ऐसे तो घर घर में स्वामी बैठे हुए हैं। हाँ, सब अपने अंदर समझते हैं और उनको पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है कि तुम्हारी जो स्त्री है वो स्त्री का पति ही उसका स्वामी है, वो ही परमेश्वर है रक्षा करने वाला। लेकिन वास्तव में एक ही कृष्ण है जो भारत की गऊओं की सुरक्षा करने वाला है विनाश के टाइम पर। जैसे सन 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो जिन कन्याओं माताओं को साथ साथ तालों के अंदर बंद करके रखा था कि हम तुम्हारी रक्षा करने वाले हैं, वो सब रक्षा करने वाले भाग खड़े हुए, एक ने भी रक्षा का विरोध नहीं निभाया। ये तो एक बाप की ही महिमा है। जो आकर के भारत की गऊओं की रक्षा करता है, इसलिए असली नाम गोस्वामी उसका है गोसाई। और कुंड किसे कहते हैं, पानी का छोटा सा तालाब होता है उसे कहते हैं कुंड, गहराई ज्यादा होती है। तो यहाँ है कोई गोस्वामी कुंड नेपाल में, नेपाल के उधर हिमालय के नजदीक हिमालय काठमांडू से ऊपर हिमालय के नजदीक में है। उसकी क्या, उसका कोई खास गायन होगा, कोई कथा होगी, वहाँ पर बहुत जाते हैं घूमने के लिए। हाँ, तो उस कथा से कनेक्शन है। और महापद का अर्थ क्या है बाबा? महापद, महापद पथ माने रास्ता, महापथ माने महान रास्ता, जिससे बड़ा महान रास्ता कोई होता ही नहीं। बड़े बड़े आदमी हैं, होते हैं राजा है, महाराजा है, राष्ट्रपति होते हैं, वो राजपथ से चलते हैं या गलियों गलियों में घूमते हैं? राजपथ से चलते हैं। ऐसे ही भगवान का बताया हुआ जो रास्ता है वो ही महापथ है, महापंथ है, महापथ कहा जाता है। और मार करने को अर्थ के बाबा? अर्थ ही अर्थ है, डिक्शनरी में सारे शब्द इकट्ठे कर लो और बस अर्थ ही अर्थ पूछते रहो। अरे मुरली में से कोई वाक्य निकालो जिसकी गहराई ना निकल रही हो। दृष्टि बृष्टि को
दृष्टि वृत्ति को मतलब के बाबा? दृष्टि कहते हैं आँखों से जो देखते हैं उसको कहते हैं दृष्टि। कहाँ जा रही है? यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है, वो है दृष्टि। निगाह जहाँ जहाँ जाती है उसे दृष्टि कहते हैं, और निगाह जहाँ जहाँ जाती है जो जो कुछ आँखों से देखा है वो फिर बाद में याद आता है, उससे बनती है वृत्ति, वाइब्रेशन, उसको फिर कहते हैं दृष्टि और वृत्ति। वृत्त बनाती है जो वाइब्रेशन है, वो गोल आकार जैसा बनता चला जाता है, आवाज जैसे फैलती है चारों तरफ ऐसे वृत्ति भी फैलती है। और जो 2012 में समाप्ति का दिन होगा बोलकर एक कैसेट में दिखा रहे हैं, तो 2012 में जो कोई एक कैसेट निकली है वो दिखाते रहते हैं लोग, माया सभ्यता वाली। हाँ, तो लोगों की ये धारणा है कि 2012 में दुनिया का विनाश हो जाएगा। दुनिया का विनाश नहीं हो जाएगा, पृथ्वी डावाडोल नहीं हो जाएगी, लेकिन पृथ्वी भी एक तत्व है जो माया के 5 विकार हैं और प्रकृति के 5 तत्व हैं जो 200 मिलकर के रावण का रूप बनते हैं, 10 सिर। वो प्रकृति के 5 तत्वों में से एक मुख्य तत्व का नाम है पृथ्वी। पृथ्वी का अर्थ है पृथिव्याति इति पृथ्वी, जो बढ़ती रहती है, विस्तार को पाती रहती है, उसको कहते हैं पृथ्वी। सतयुग के एकदम आदि में बहुत छोटा रूप था, चारों ओर सागर ही सागर फैला हुआ था, छोटा सा हिस्सा, उसका नाम था द्वीप। कौन सा द्वीप? जम्बूद्वीप। छोटा सा द्वीप मात्र था वो, फिर बाद में बढ़ते 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 कलयुग के अंत में देखो इतनी बड़ी पृथ्वी का विशाल हिस्सा बन गया। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं वहां पलती हैं, रहती हैं, तो उसका नाम पड़ता है पृथ्वी। विस्तार को पाने वाली पृथ्वी धरणी, वो धरणी का रूप है कन्याएं माताएं, क्योंकि कन्या भी माता बन जाती है। कन्या जब माता बनती है तो कन्या छोटी होती है, फिर जैसे जैसे बच्चे पैदा होते रहते हैं वैसे वैसे चकराती जाती है, विस्तार को पाती जाती है, उसको कहते हैं पृथ्वी माता। नंबर वार पृथ्वी है, पृथ्वी के अलग अलग हिस्से हैं, कोई का नाम क्या, कोई का नाम क्या, कोई का नाम भारत माता, कोई का नाम जगदम्बा, सारे जगत की अम्बा, वो बड़े तो बड़ा पृथ्वी का रूप हो गया। प्रश्न क्या था? जो 2012 में जो समाप्त, तो वो पृथ्वी नहीं जो जड़ है। 5 तत्व जड़ है या चैतन्य है? हैं? जड़ है। जड़ में ज्यादा ताकत होती है या चैतन्य में ज्यादा ताकत होती है? चैतन्य में ज्यादा ताकत होती है। पृथ्वी उसका रूप है जगदम्बा,
चैतन्य रूप, जल उसका रूप है वरुण देव, वायु वायुदेव, अग्नि अग्निदेव, ये शास्त्रों में देवताओं के रूप दिखाए हैं ना, वो चैतन्य रूप है उन पांच तत्वों के। तो माया सभ्यता में जो ये बात आती है, किसी ने कल्पना की है कि पृथ्वी डावाडोल हो जाएगी, वो पृथ्वी की बात नहीं है, ये चैतन्य पृथ्वी की बात है कि अंदर से स्वभाव संस्कार में कोई विशेष परिवर्तन आ जाएगा, अंदर का रूप ही बदलने लगेगा। हाँ, बाहर भी हो सकता है थोड़ा बहुत, जैसे कि सन 76 में भारत में छोटा मोटा भूचाल जैसा आ गया, गुजरात से जयप्रकाश नारायण का एजिटेशन उठा और कांग्रेस राज्य को हिला के रख दिया। जनता पार्टी तैयार हो गई, साथ दिया मुरारजी देसाई ने, दोनों थे कि नहीं गुजरात के, है बाहर की दुनिया के थे कि ब्राह्मणों की दुनिया के थे? ब्राह्मणों की दुनिया के थे। मुरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण हैं, बाहर की दुनिया के थे ना। कांग्रेस गवर्नमेंट का एक साल के लिए तख्ता उलट दिया या नहीं उलट दिया? और दिल्ली में 800 सीटों के ऊपर कब्जा कर लिया। बाबा भी कहते हैं दिल्ली का घेराव डालो। दिल्ली का घेराव का मतलब यह नहीं है कि दिल्ली के अंदर घुस करके विप्लव मचा दो, दिल्ली के चारों ओर जो हरियाणा फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश फैला हुआ है, वहां ऐसी आवाज पहले उठाई जाए कि चारों तरफ से दिल्ली घिर जाए, फिर बाद में हमला किया जाए तो सफलता मिल सकती है। तो ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में भी सन 76 में हुआ, एडवांस पार्टी ने सीधा दिल्ली के ऊपर हमला बोल दिया, चार धर्म की चार बीज रूप आत्माएं तो निकल आई, जैसा मुरली वो बोला था, जमुना के कंठे पर नई दुनिया स्थापन होगी, पुरानी दुनिया का विनाश होगा। ऐसे एडवांस पार्टी ने जमुना के कंठे की जितनी सेवा केंद्र थे उनमें हड़कंप मचा दिया, एक नया संगठन उठ के खड़ा हो गया, एडवांस पार्टी। और बाहर की दुनिया में भी ऐसे ही हुआ था। मार्शल्ला होते होते बच गया, क्या हुआ था? इमरजेंसी लगी थी कि नहीं? लगी थी। जयप्रकाश नारायण ब्राह्मणों की दुनिया में उठ खड़ा हुआ है कि नहीं है? अरे नारायण वाली आत्मा ने एडवांस पार्टी का नेतृत्व किया या नहीं किया? किया। फिर कृष्ण मुरारी देसाई भी सहयोगी बना कि नहीं बना? बन। ऐसे ही 2012 में भी बाहर की दुनिया में भी कुछ थोड़ा बहुत उलट पुलट हो जाएगा, और अंदर की दुनिया में खास ये बात परिवर्तन होगी।
और बाबा भी बार बार अव्यक्तवाणी में इशारा दे रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कितनी बार बोला, 2001 से बोलते चले आ रहे हैं, जब गुजरात में भूकंप आया था भुज कच्छ में, तब से लगातार बोलते चले आ रहे हैं। और दुनिया वाले भी कहते हैं कि दिल्ली का हिस्सा अंदर अंदर वहां बहुत उथल पथल हो रही है पृथ्वी के अंदर, कभी भी भयंकर भूकंप आ सकता है। और दिल्ली की सरकार तैयार भी नहीं है उस झटके का मुकाबला करने के लिए। और ये मतलब भारत जो राज्य है, भारत राष्ट्र जो है, उसे अभी ये बाद में नेपाल ये अलग होने का क्या रहस्य है? नेपाल अलग होने का, हाँ नेपाल देश अलग हो गया ना भारत से अलग। हाँ पहले तो छोटे छोटे टुकड़े राज्य थे, बाहर से पीछे राज्य थे पहले, जब से हिस्ट्री इसका मतलब देखा जाता है तो बाद में भारत से अलग राज्य हो गया है, तो भारतवर्ष के अंदर ही। भारतवर्ष में छोटे छोटे राज्य पहले नहीं थे? ऐसे ही नेपाल राज्य भी अलग हो गया, तो फिर नेपाल राज्य अलग होने के बाद अब जितना समय बीता जाता है उतना ये प्राकृतिक स्रोत साधन होते हुए भी बहुत दुखी गरीब बनता जाता है, मतलब बनता जा रहा है ना। क्या बनता जा रहा है? यहाँ पर दुख गरीब बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसकी राजधानी का नाम क्या है? काठ का मंडूक। काठ माने लकड़ी, जैसे रामायण में दिखाया गया काठ की नवैया। दुनिया वालों ने तो समझ लिया काठ की नवैया कोई जड़ नवैया रही होगी, वास्तव में वो जड़ नवैया की बात नहीं है, चैतन्य नाव की बात है। ये जीवन रूपी ही नैया ही नवैया होती है। ऐसे ये काठ और मंडूक, मंडूक कहते हैं मेढक, काय का मेढक, काठ का मेढक। जैसे मेढक ट्रां 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 करता रहता है, कुछ अर्थ निकलता है? नहीं अर्थ निकलता है। ऐसे ही शिव बाप ने आकर ब्रह्मा के द्वारा जो मुरली चलाई, उस मुरली का जो क्लैरिफिकेशन निकलता है उसका तो अर्थ है। उसी क्लैरिफिकेशन को फिर जगदम्बा माता ज्यों का त्यों सुनाती है। सुनाती तो है, फिर कुछ उस अर्थ को ग्रहण कर पाती है? नहीं कर पाती। तो जैसे कि मेढक मिसल हो गया, अर्थ कुछ भी नहीं हुआ, रिजल्ट कुछ भी नहीं हुआ। नाम है नई पाल, नई दुनिया की पालना करने वाला। एडवांस की शुरुआत में भी वो जगदम्बा थी, ब्राह्मणों की दुनिया में नए ब्राह्मण संगठन की पालना करने वाली थी, और अंत में फिर पालना करेगी और बड़े रूप में पालना करेगी। जो सिख लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, राज करेगा खालसा, जो खालिस आत्मा है वो राज्य करेगी।
खुद जगदम्बा निकलती है पंजाबी खून से। टाइम आएगा तो राज्य तो करेगी, उसका विस्तार बहुत होता जाता है। शास्त्रों में वो मत्स्यावतार के रूप में गाई हुई है। मत्स्य कहते हैं मछली को, मछली का रूप इतना बढ़ता चला गया, इतना बढ़ता चला गया कि राजा के कंट्रोल में नहीं रहा। नदी में डाला तो नदी भी भर गई, नदी से भी निकाल के फिर कहां डालना पड़ता है, सागर में गिरती है, तब पनप पाती है। तो ऐसे ही यहां भी है, ये नेपाल लकड़ी का भंडार है और अच्छी से अच्छी लकड़ी का भंडार है, लेकिन विश्वास न होने के कारण कि दुनिया का विनाश होने वाला है, नहीं भी विश्वास है तो दुनिया में जैसे पर्यावरण के पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो करके, ऐसे यहां भी लकड़ी काटने नहीं देते और लकड़ी की कीमत बहुत बढ़ाई दी है, काटने भी नहीं देंगे, उसका उपयोग भी नहीं करेंगे। तो जो यहां की बड़ी संपत्ति है जिसका उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चोर बाजारी में चली जाएगी या कुछ काम आएगी। अच्छी अच्छी लकड़ी जो है वो काट काट के विदेशों में जा रही है, उन्हें पता ही नहीं लग पा रहा है। जल स्रोत का भंडार भी तो है ना बहुत है, जो जल स्रोत का भंडार भी तो है ना, नदी नाला, वो बेकार है, वो उसका उपयोग ही नहीं कर पा रहे। उसका उपयोग करें तो यहां इतना बिजली का भंडार बन सकता है, बड़े बड़े कारखाने चल सकते हैं, हिंदुस्तान की सारी नदियां बहती ही कहां से हैं? है हिमालय पहाड़ का ज्यादा हिस्सा कौन से देश में आता है? नेपाल में आता है। दवाइयों का भंडार सबसे बड़ा नेपाल में है, जड़ी बूटियों का। सदी में हिस्सा सारा रहेगा ना हिमालय पर्वत से। तो ओ, 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 जैसे ज्योतिषी लोग होते हैं, उन ज्योतिषियों से जाके प्रश्न करते हैं, ऐसे प्रश्न करना शुरू कर दिया, ऐसा होगा वैसा होगा, होगा कि नहीं होगा। इस दगनी बाबा को आगमन 270 साल हो चुका है, लेकिन बाबा का बच्चा ये सारा पृथ्वी का 500-700 करोड़ बच्चा है। ये बाबू को यात्रा वो जापान जर्मन चाइना की यात्रा होगा ही नहीं होगा? बात विश्व पिता है तो विश्व के चक्कर लगाएगा, पहले विश्व पिता है या पहले भारत पिता है? है तो पहले भारत का फिर बाद में विश्व का। और बाबा ये जो रेडियो में सुबह सुबह जो कृपाल जी महाराज का प्रवचन आता है तो उसका जो शिष्य ने कहा है तो वही कृपाल जी के पास से ही मुक्ति हो सकता है, के पास से नहीं हो सकता। तभी तो आप सुनते हैं रोज सवेरे को। भट्टी नहीं कह रहा, इसीलिए दूसरे दूसरे प्रोग्राम देखता हूँ।
इसीलिए तो कृपाल जी की कृपा आपके ऊपर हो रही है ज्यादा। एक हजार आठ आए हुए। 1008 क्या किया गुरु जी? 1008 गुरु जी है वो कृपाल जी महाराज। कृपाल जी महाराज जी के पास 1008 गुरु जी पढ़ रहे हैं? नहीं, उसका नाम ही 1008। इसी 1008 हजार आत्मा सहयोगी बनती होंगी उनके, तो 1008 टाइटल रखवाना कोई बुरी बात है क्या? शंकराचार्य तब से ये पांच जगत गुरु में ये लाल का ऐसे बताते हैं। अच्छा, वो माधवाचार्य निकम्मा का आचार्य क्या शंकराचार्य ऐसे ऐसे करके अभी लास्ट में ये कृपाल जी महाराज अपने को बताता है कि हम जगत गुरु ये भी 1008 महाराज ऐसे। अच्छा, तो पहले ने कुछ नहीं कर पाया तो आखिरी क्या करेगा? जो शुरुआत की चीज होती है वो सत्व प्रधान होती है कि आखिरी चीज होती है वो सत्व प्रधान होती है? शुरुआत की सत्व प्रधान होती है, आखिरी की तमो प्रधान होती है। सत्व प्रधान नहीं कुछ नहीं कर पाया दुनिया का कल्याण, तो आखिरी क्या कल्याण करेगा? कल्याण करेगा कि अंधश्रद्धा अंधविश्वास में फंसाएगा? शिवो हम श्री श्री 1008, जैसे वो कहते हैं श्री श्री 108 श्री सतानंद जी महाराज। 108 मणकों को बनाने वाले हम हैं, संगठित करने वाले हम हैं, 108 की माला बनाने वाले हम हैं। दुनिया के 108 बीज हैं जो शास्त्रों में दिखाए गए हैं कि मत्स्यावतार ने नाव में 108 बीजों को इकट्ठा कर लिया विनाश होने से पहले, ताकि नई दुनिया बन सके। तो कृपाल जी महाराज जी हैं, 108 में आपका नाम चुना कि नहीं चुना? चुना है कि नहीं चुना? कि 1000 में 8 में चुना? नहीं चुना, तो फालतू पीछे पड़े। बाबा बोलते परिवार, जो परिवार होते ना हमारा, एक दिन सब आ जाएंगे बिहार का आएगा। बाबा ने बोला बेहद की बात बेहद में बोलते हैं, और बाबा ने एक मुरली में कहा परिवार के सब आ जाएंगे, तो ये बेहद के परिवार की बात कह रहे हैं या हद के परिवार की बात कह रहे हैं? 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं सब भगवान बाप को नहीं पहचानेंगे? पहचानेंगे कि नहीं? सब पहचानेंगे तो सब ब्राह्मण बन जाएंगे, हो गए बेहद के। बेहद है 500-700 करोड़, तो वो बेहद का बाप है। क्राइस्ट, बुद्ध, शंकराचार्य, इब्राहिम, ये हैं हद के बाप। क्राइस्ट को 200 करोड़ क्रिश्चियंस ही मानते हैं, परंतु वो बेहद का थोड़े ही है। 500-700 करोड़ सब मानते हैं क्या? नहीं मानते। ठीक है, जब 500 करोड़ में संदेश फैलेगा, 500-700 करोड़ सब पहचानेंगे बाप को, तो गीता पाठशाला गली गली में नहीं होगी? नहीं तो फिर पहचानेंगे कैसे? 12वीं प्रत्यक्षता के बाद होगा ना? जब फिर वहाँ गीता पाठ करेंगे जरूरत ही नहीं होगा। वो गीता पाठ पूरा होगा, भागवत शुरू हो जाएगा, फिर महाभारत शुरू होगा, ऐसे तो क्या होगा? गीता पाठशाला गली गली में होगी, तो सामने से निकल के सामने के दरवाजे में घुस जाओ, मार्शल लगता रहे तो लगता रहे, मराठी शासन होता है तो होता रहे,
अरे मिलिट्री शासन में बाहर नहीं निकलने देते ना, चारों तरफ मिलिट्री मिलिट्री लगी रहती है, तो गली गली में गीता पाठशाला होने से फायदा है कि नुकसान है? फायदा है। दूर दराज होगा तो कोई आने जाने नहीं देगा। अभी देखो थोड़ा सा हड़ताल होती है तो कान खड़े हो जाते, अरे हम नहीं जाएंगे आज है। देखो चार आदमी आके बैठे हैं, चार में दो चार तो ऐसे हैं कि जिन्होंने भट्टी भी नहीं की है, बाबा के बच्चे भी नहीं बने, अभी पैदा भी नहीं हुए गर्भ में। भाइयों में तो एक ही है, एक ही है। चलो एक है तो कोई बात नहीं, और यहाँ पर भी एक ही है। और बुरी माता नहीं कर रहे फिर ज्यादा, मतलब गीता पाठशाला उठ जाएंगे दो साल ही रहेगा ऐसा भी बताया क्या? गीता पाठशाला उठ जाएगी दो चार रहेगी ऐसा बोला है? दो चार गीता पाठशालाएं रहेंगी और सब गीता पाठशालाएं उठ जाएंगी ऐसा धर्मराज के कान बोला है क्या? है अरे तुम्हारे कान में बोला किसी ने क्या? कैसेट में सुना सब कुछ, कैसेट में सुना। दो चार तो नहीं बोला, दूसरा ले जाएगा नहीं रहेगा। अरे तुम्हारे तो नहीं संकल्प चलते हैं बाबा को सेवा देते हैं ना? सेवा देते एक से दो बताने चाहिए। ठीक है, एक हाथ देने वाला दूसरा हाथ लेने वाला। हाँ उसकी तो एक भाई कमा के लेके देता है माता को रखने के लिए। हाँ? वो माता को फिर देना पड़ेगा। हाँ? दो तो हो गया। दो कैसे? नहीं भाई कमा के लेके देता है जो माता को। हाँ हाँ उसको ऑर्डर देता है इसको दे दो, है ना? भाई ऑर्डर देता है? नहीं कोई कोई होता है ना, सब तो नहीं होता है लेकिन कोई कोई होता है। जी बाबा बाबा ये तीन हो गया, मेरा बाबा और मेरा बाबा चार हो गया। जो पति पत्नी है, पति पत्नी है वो एक हाथ है या दो हाथ है घर चलाने वाले? वो तो एक ही हो गए, वो कमाने वाला वो खर्च करने वाली, वो सेवा और वो शक्ति है। हाँ तो कहना क्या चाहते है? और पति देने वाला थोड़े ही है, अर्धांगिनी होती है पत्नी। मुरली में बोला है पत्नी का आधा हिस्सा होता है पति की कमाई में, तो वो देता थोड़े ही है, वो अलग से थोड़े ही देता है कोई, वो तो तुम्हारा हिस्सा है जो तुम्हें मिलता है। और बाबा जिसने बेसिक में जो भर्ती कर लिया है तो वो एडवांस में भी करना करने का जरूरत है? अरे एक बात बताओ, ब्राह्मण के दो जन्म होते हैं, ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है कि एक जन्म लेने वाला कहा जाता है? ब्राह्मण का एक जन्म होता है कि दो जन्म होते हैं? ब्राह्मण को कहते हैं द्विज, द्वि माने दो, ज माने जन्म, दो जन्म लेने वाला। वो तो स्थूल जन्म समझते हैं दुनिया वाले, ये तो है यहां बेहद के जन्म की बात, एक बेसिक में जन्म और दूसरा एडवांस में जन्म। बेसिक में भी ज्ञान गर्भ में पलते हैं, फिर एडवांस में भी ज्ञान गर्भ में पलते हैं। ये भी नौ महीना पेट में रहना पड़ता है, बुद्ध रूपी पेट है वो, हद का पेट होता है ये बेहद का पेट है। यहां नौ दिन के अंदर बच्चा तैयार हो जाता है, एक दिन आना एक दिन जाना सात दिन बीच में, नौ दिन की भट्टी है। आत्मा जब तक शरीर न छोड़े पुराना तब तक नए बाप के घर में जाकर के जन्म नहीं ले सकता,
तो पुरानी दुनिया से अनिश्चय बुद्धि बने तब जाकर के भट्टी करे। अभी कृपाल जी महाराज से अनिश्चय बुद्धि बने ही नहीं है तो भट्टा भट्टी नई दुनिया में जाके जन्म कहां से लेंगे? नए बाप भगवान के बच्चे कहां से बनेंगे? अभी बाबा ने समझी अगर उनकी डेली क्लास होती है और बाबा की सेवा है, अमृत वेला है, पूरे नियम है, रेगुलर है, फिर भी बाबा देखेंगे भी कि रेगुलर है तो चलो क्लास में आ सकते हैं। कभी बाबा क्लास में एक साल, डेढ़ साल, दो साल तो कम से कम क्लास होना चाहिए रेगुलर ना। कभी क्लास मुरली भी ना करे, फिर भट्टी बाबा के सामने आके बैठे तो ये जो श्रीमद के बिल्कुल बाहर है ना। ओहो, ये क्या बात हुई? बाप के घर में जब तक जन्म न ले, बच्चा पैदा न हो, तो बाप का बच्चा कहा जाता है? पहले तो बाप के घर में पहुंचे, जन्म ले जा करके, तब बच्चा कहा जाता है। और है? कोई कोई ऐसे भी होते हैं, शरीर तो छोड़ दिया पीछे से, पिछले जन्म से, लेकिन जन्म नहीं मिला तो उन्हें भूत प्रेत कहा जाता है कि बच्चा कहा जाता है? भूत प्रेत होते हैं फिर। छोड़ दिया भी नहीं करेगी लटक रहे वो तो भूत प्रेत। और चलो ओम शांति। अभी 15 मिनट और रह गए थे।